बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 के रुचिरा तृतीय भाग संस्कृत की पुस्तक के दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय पाठ का विदस्य वाणी न कदापि मे श्रोता इसको पढ़ा था, इसकी व्याख्या हुई थी और इस कहानी को पूरा किया गया था, जिसमें खर नखर नाम का एक शेर भोजन की तलाश में एक गुफा में जाता है और वहाँ पर वो छिप कर बैठता है ताकि कोई भी प्राणी आए तो वो उसको अपना भोजन बना सके। जब उस गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था वो आता है तो बाहर से ही वो देखता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के हैं लेकिन बाहर आने के नहीं, और वो समझ जाता है कि अंदर शेर है। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वो कहता है गुफा को बुलाने के लिए, और शेर सोचता है कि ये गुफा उसको रोज़ बुलाती है इसीलिए जो है आज मेरे डर से नहीं बोल रही है। और फिर वो जब शेर वहाँ पे आवाज़ करता है, जोर से गरजता है, तो वो पूरी गुफा जो है अपनी प्रतिध्वनि से गूंजने लगती है। तो उस शोर से वो गीदड़ जो है दूर भागता है और ये कहते हुए भागता है कि यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया लेकिन मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो इसमें जो है ये इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। तो जिस तरह से उस गीदड़ ने अपनी जान बचाई, तो आज हम लोग यहाँ पे अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है अभ्यास यहाँ से शुरू है। और पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है उच्चारणम करो, उच्चारण करो। तो इसमें कस्मेशित यानी किसी विचिन्त्य सोचकर, साध्विदम मतलब उचित, यह उचित, साध्विदम साधु इदम, और क्षुधार्तः जो है यहाँ पे क्षुधार्तः कहा गया है भूख को, और एतत् श्रुत्वा यह सुनकर भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वाले की, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, समाह्वानम आह्वान करना प्रतिध्वनि उसकी गूंज से। और दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन उत्तरम लिखत यहाँ पर उत्तर दो करना है हम लोग को, यहीं से शुरू करना है। एक पदेन उत्तर स्टार्ट होता है एक बार शब्द में उत्तर दे, तो यहाँ पे क में हम लोग लिखेंगे उसका सिंह से नाम किन, शेर का नाम क्या था, तो शेर का नाम था खर नखरा, खर नखरा। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर गुहाया स्वामी कह आसी, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ गुहाया स्वामी दधिपुच्छ, तो एक शब्द में लिखना है तो उसका नाम लिखेंगे दधिपुच्छ। और तीसरा है सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, तो सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय जो है वह आता है। हस्त पादादिकाह क्रियाह केशाम न प्रवर्तन्ते, तो हस्त पादादिकाह क्रियाह भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। और अंग है यहाँ पर गुहा केन प्रतिध्वनिता उच्च गर्जने, जोर से गरजने से, उच्च गर्जने जोर से गरजने से वो गुफा जो है वो प्रतिध्वनिता मतलब गूंजती है। तो इस तरह यहाँ पे दूसरे प्रश्न में एक पद में उत्तर लिखना था,
और अब इसके बाद जो है हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तरक, और पूर्ण वाक्यन उत्तरक में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे, और इसमें पहला दिया हुआ है कि खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था। तो खर नखर किसी वन में रहता था, अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तरत, और इसमें क है खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था। तो खर नखर कस्मिंश्चित, यहाँ पर कस्मिंश्चित कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति स्म, वने प्रतिवसति स्म, वने प्रतिवसति स्म। और अब ख है, ख में जो है वो दिया हुआ है प्रश्न की महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह किम अचिंत्य, शेर क्या सोचा। तो बड़ी सी गुफा को देखकर सोचता है कि यहाँ पर रात में कोई ना कोई प्राणी अवश्य आएगा, तो मैं यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। तो ख में महतीम गुहाम दृष्ट्वा, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः सिंहः अचिंत्यत, सिंहः अचिंत्यत नूनम नूनम एतस्याम, नूनम एतस्याम गुहायाम गुहायाम रात्रौ, गुहायाम रात्रौ यहाँ पित्र होगा रात्रौ, को अपि जीवः, को अपि जीवः, को अपि जीवः आगच्छति, को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा, निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। तो इस तरह से वह सोचता है। तो यहाँ पर बड़ी सी गुफा को देखकर वह क्या सोचा, तो इस तरह से वो ये सोचता है। ग है श्रृगाला के मचिंत्य, गीदड़ क्या सोचा। गीदड़ सोचता है कि श्रृगाला अचिंत्य, यहाँ पर श्रृगाला श्रृगाला अचिंत्य, यहाँ पे गीदड़ सोचा श्रृगाला अचिंत्य अहो अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि मैं मर गया, इसका अर्थ होता है नूनम नूनम, यहाँ पे ये हल का निशान है नूनम अस्मिन् बिले, नूनम अस्मिन् बिले
सिंहः अस्ति, सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम् अस्मिन् दिने सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, अस्तीति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि, किं करवाणि मतलब क्या करूं, तत् किं करवाणि। तो यहाँ पर वो कहता है कि तो मैं क्या करूं। अब घर श्रीगाला कुत्र पलायित, गीदड़ कहाँ पलायित हो गया, तो श्रीगाला, श्रीगाला दूरम पलायित, दूर चला गया। पांचवा प्रश्न अंगा, अंगा में ये कहा गया है, पूछा गया है प्रश्न में कि गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, तो गुफा के पास आकर गीदड़ क्या देखता है। तो यहाँ पर हम लोग पांचवे प्रश्न का लिखेंगे, गुहा समीपम आगत्य, यहाँ पे है गुहा समीपम आगत्य, गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः, गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः सिंहपद पद्धतिं पश्यति, सिंहपद पद्धतिं पश्यति, सिंहपद पद्धतिं पश्यति, शेर के पैरों के निशान को देखता है। अब यहाँ पे च वाला प्रश्न कि कह शोभते, कौन शोभा पाता है, तो यह अनागतम कुरुते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। अब है यहाँ पर इसके आगे का प्रश्न, तो प्रश्न तीन का ये सभी उत्तर यहाँ पर किया गया, और अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर, आधृत्य का अर्थ होता है आधार पर, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें, तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें प्रश्न जो रेखांकित शब्द है उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न चार, और प्रश्न चार में प्रश्न बनाएंगे हम लोग रेखांकित शब्दों के आधार पर। और उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखते हैं क में क्या रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे उत्तर तीन, उत्तर नहीं, उत्तर चार हो जाएगा, चार का क। तो इसमें एक क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो कुछ भी आहार नहीं प्राप्त किया, तो कैसा शेर था वह, क्षुधार्तः, तो कीदृशः यहाँ पर हो जाएगा, कीदृशः सिंहः, कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम, कुत्रापि
आहारं न प्राप्तवान। और प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो लिखने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना है। और अब ख वाला हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और ख का प्रश्न यहाँ पर जो रेखांकित है दधि पुच्छ, तो दधि पुच्छ की जगह पर हो जाएगा किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। तो यहाँ पे प्रश्न जो बनाना है, किम नाम श्रृगाल, किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। गुहाया स्वामी आसीत, किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। तो यहाँ पर किम का प्रयोग किया गया है प्रश्नवाचक शब्द, और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और अभी तीसरा, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। तो एषा गुहा स्वामिनः कस्य सदा, एषा गुहा सदा आह्वानं करोति। आह्वानं करोति, तो कस्य का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और अब है यहाँ पे घ, भय संत्रस्त मनसां हस्त पादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः, क्रियाः न प्रवर्तन्ते, क्रियाः न प्रवर्तन्ते। प्रश्न चिन्ह। और अब इसके आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर, यह आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो आह्वानेन बुलाने से श्रृगालः कस्मिन् प्रविश्य, आह्वानेन श्रृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो निशान लगाना है प्रश्नवाचक। और अब है यहाँ पर, ये पूरा हो गया प्रश्न चार। और प्रश्न पाँच में घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है, तो घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। तो इसमें जो है यहाँ पे वाक्य जो है ऊपर नीचे दिए हुए हैं, उसे एक क्रम में लिखना है। जो कहानी में जो वर्णन पहले आया है उसे पहले लिखना है, और जो वर्णन बाद में आया है उसे बाद में लिखना है।
तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्रम के अनुसार वाक्य को लिखना, और जो आएगा पहले उसे पहले लिखना है और बाद वाले वाक्य को बाद में लिखना है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं उत्तर 5, उत्तर 5 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे वाक्य हैं और उसका वर्णन कब आएगा। तो यहाँ पर उत्तर 5, गुहायाः स्वामी दधिपुक्ष नाम शिगाला समागच्छत, तो वो बाद में आता है। और सबसे पहले एक वन में एक शेर रहता था और वह भूख से व्याकुल था, ये वर्णन आया है। तो हम लोग वही वाक्य खोजेंगे जिसमें कि इसमें ग है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तौ जाता है। तो सबसे पहले ग वाली लाइन लिखेंगे, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तौ, क्षुधार्तौ जाता है। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तौ जातः, तो इसमें जो है दूसरा है ख लिखेंगे इसके बाद, ख की लाइन, सिंह एकाम, सिंह एकाम महतीं गुहाम अपश्यत, एकाम महतीं गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। और अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे गुहायाः स्वामी, क की लाइन लिखेंगे, गुहायाः स्वामी, गुहायाः स्वामी दधि पुच्छः नाम, दधि पुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्, श्रीगालः समागच्छत्। और फिर क्या होता है, दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ है वो वहाँ पर आया। फिर दूरस्थः शृगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थः घ वाली लाइन आ जाएगी, दूरस्थः शृगालः, दूरस्थः शृगालः रवम कर्तुम आरब्ध, कर्तुम राव आरब्ध। और फिर है अंग वाली लाइन, सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह श्रीगालस्य, सिंह श्रीगालस्य, सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, आह्वानम अकरोत्। और फिर है च सिंह दूरम पलायमानम, दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम अपठत्, दूरम पलायमानः श्रीगालः
श्लोकम अपठत, श्लोकम अपठत। और लास्ट लाइन इसमें जो अंतिम वाक्य आएगा वह है एक मिनट यहाँ पे, इसे फिर से लिखते हैं एक लाइन वहाँ पर, इसे हाथ में नहीं लिखना है, पहले लिखना है। तो यहाँ पर दूरस्थः शृगालः गुहायाः स्वामी ततिपुक्षः आसीत्। इसके बाद है शृगालः कोऽपि अस्ति, यहाँ पे छ वाली लाइन आएगी। गुहायाम को अपि अस्ति, कह अपि अस्ति है ये, मिलकर को अपि अस्ति। इति शृगालस्य विचारः, को अपि अस्ति इति शृगालस्य, इति शृगालस्य विचारः। और अब यहाँ पे पांचवी लाइन हम लोग लिखेंगे घ का। जब उसे पता चल जाता है कि गुफा में कोई है तो वह कहता है कि दूरस्थः शृगालः, दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुं रवम कर्तुम आरब्ध। तो पांचवी लाइन हो गई यहाँ पर घ, पांचवे नंबर पे घ, घ के वाक्य को लिखना है। और अब छठे नंबर पे अंगा लिखेंगे, यहाँ पर हाँ यहाँ पे सिंह शृगालस्य, सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, और फिर यहाँ पे सातवां लिखेंगे च दूरं पलायमानं दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्, श्लोकम् अपठत्। तो इस तरह से पूरे सात वाक्य हैं यहाँ पर, और सातों को क्रम से लिखा गया है। सबसे पहले ग वाला वाक्य लिखा गया है, फिर ख लिखा गया है, फिर क लिखा गया है, फिर छ, फिर घ, फिर अंगा, च। तो यहाँ पे अंगा वाली लाइन है ये, और फिर च। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है प्रश्न छः, ये व्याकरण पर आधारित है। और इसमें जो है उपसर्ग प्रत्यय संधि और अव्यय कर्ता सर्वनाम पद, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दिए गए वाक्य में से उसे खोजकर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग यथा निर्देशम उत्तरत वाला करेंगे कि जैसा निर्देश दिया गया है उत्तर दें। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है वो ये दिया है कि एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी सी गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह अचिंत्यत्वा सोचा,
अस्मिन् वाक्य ये वाक्य दिया गया है और इसी पर प्रश्न पूछा गया है। अस्मिन् वाक्य कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण पद संख्याया सह पदानि अपि लिखत, और संख्या के साथ पद को लिखना है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, इसमें विशेषण पद है एकाम महतीम, तो यहाँ पे एकाम और महतीम ये दोनों विशेषण है। तो इसका उत्तर छः हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसके क का करेंगे कि अस्मिन् वाक्य द्वे विशेषण पदे द्वे विशेषण पदे एकाम महतीम च अस्तः, एकाम महतीम च, एकाम महतीम च स्तः। तो यहाँ पे एक एकाम और महतीम ये दो विशेषण पद हैं। अब ख में पूछा गया है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तब मैं अस्य मतलब इसका आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूँ बुलाता हूँ। तो अत्र अहम इति परम कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ अहम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर उत्तर होगा अत्र अहम इति पदम, अत्र अहम इति पदम, इति पदम अत्र अहम इति पदम खर नखराय सिंहाय प्रयुक्तम, सिंहाय प्रयुक्तम। खर नखराय भी लिखा जा सकता है, सिंहाय भी लिखा जा सकता है। अब ग है और ग में पूछा गया है कि यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कर्तृपद क्या है। तो ग में अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं त्वम् अस्ति, त्वम् अस्ति। और अब घ है, घ में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं दृश्यते अस्ति, घ में अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं दृश्यते अस्ति। और अब है कि वने अत्र संस्था से समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, तो अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र अव्यय पदम अस्ति, अत्र अव्यय पदम अस्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 6 तक पूरा किया है।
और प्रश्न सात कहानी को पूरा करना है, तो इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।